गुड इवनिंग, जय श्री राम, बड़ों को पैरी बना, छोटों को प्यार। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। तो आज हमने बनाया सोयाबीन और चने की दाल के कबाब, बहुत ही टेस्टी बने हैं। ऊपर से इतने ही कुरकुरे हैं, अंदर से उतने ही सॉफ्ट हैं। तो आप भी इस तरह से कबाब बनाना चाहते हैं तो चलते हैं किचन में। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। तो चलते हैं किचन में, बनाते हैं सोयाबीन और चने की दाल के कबाब एक छोटे से इंट्रो। सोयाबीन के कबाब के लिए मैंने 1.5 कप सोयाबीन का चूरा लिया है और इसको मैंने बॉईल कर लिया था। और 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, थोड़ी सी अदरक है, धनिया और पुदीना है, हरी मिर्चें हैं 3-4, और ये चने की दाल है जो बॉईल करके मैंने फेस ली थी। तो ये मिक्स करते हैं। पहले मैं इसको थोड़ा ग्राइंडर में पेस्ट बना लेता हूँ, ये चीज़ें मिला के। ग्राइंडर में डालते चूरा, धनिया, हरी मिर्च, पुदीना और अदरक डाल रहा हूँ। आप चाहो लहसुन वगैरह भी डाल सकते हो। उसको मैं पीस के पेस्ट बना लेता हूँ। पीस गया हमारा पेस्ट, हो गया ये अंदर, ये डाल देते हैं इसके अंदर। ये अच्छे से पिस चुकी है तो इसके अंदर हम चने की दाल मिक्स करते हैं। काफ़ी इतनी, और कुछ मसाले ऐड करते हैं इसके अंदर। आधा छोटा चम्मच मैं गरम मसाला डाल रहा हूँ, थोड़ी सी लाल मिर्च है, थोड़ी सी काली मिर्च है, आधा छोटा चम्मच, डेढ़ चम्मच धनिया है, धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच मैं आमचूर पाउडर डाल रहा हूँ, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। थोड़ा सा मैं काला नमक ऐड कर रहा हूँ, स्वाद अनुसार सफ़ेद नमक, और इसको अच्छे से मिक्स करते हैं हम। और डालते हैं नींबू का रस, आधा नींबू का रस डाला है मैंने, अच्छे से मिक्स कर देते हैं इसको। लास्ट में ऐड करते हैं इसमें प्याज, 2 मीडियम साइज़ के छोटे प्याज थे और प्रिक्स फाइन चॉप करा हुआ मैंने, अच्छे से इसको करते हैं। और इसके हम थोड़ी छोटी कबाब से बनाते हैं, टिक्की टाइप के। आप चाहे राउंड शेप में, सिलेंडर टाइप में बना सकते हो, मैं टिक्की टाइप में बना रहा हूँ छोटे छोटे। और बहुत अच्छी बैंडिंग है इसमें, कुछ और मिलाने की ज़रूरत नहीं है, अरहर लोड वगैरह मिलाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बढ़िया तरीके से हमारे ये कबाब बन जाएंगे और बहुत सॉफ्ट बनेंगे। इस तरह के छोटे छोटे मैं सभी तैयार कर लेता हूँ। कबाब हमने तैयार कर लिए, बना लिए हैं, नहीं कि उसको फ्राई करते हैं। आप चाहे इसको डीप फ्राई कर सकते हो या शैलो फ्राई कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। मैं इसको शैलो फ्राई कर रहा हूँ। डालते हैं तलने के लिए तेल, और गर्म होने देते हैं तेल को थोड़ा। तेल हमारा गर्म हो गया तो इसमें डालते कबाब, एक बार में जितने आ जाए हम मीडियम आंच पे इसको सेकेंगे, जब तक नीचे से अच्छी तरह से करारा ना हो जाए। चेक करते हैं, फर्स्ट क्लास,
तो ये हमारे अच्छे से नीचे से भी क्रिस्पी हो गया, तो निकाल लेते इनको। एकदम अंदर से एकदम सॉफ्ट होएंगे, ऊपर से इतने क्रिस्पी हैं ये। इसी बाकी को भी मैं फ्राई कर लेता हूँ। ये कबाब भी हमारे रेडी हो गए हैं, तो उनको निकालते हैं और सर्व करते हैं। कबाब हमारे रेडी हो गए हैं, देखिए कितने क्रिस्पी हैं और अंदर से उतने ही सॉफ्ट। आई होप आपको मेरे बनाए हुए सोयाबीन और चने की दाल के कबाब की रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।